नमस्कार, इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। पोर्नोग्राफी केस में राजकुंद्रा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं और मुश्किलें उनकी लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि एक के बाद एक कड़ी दर कड़ी खुलती जा रही हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल में है शिल्पा शेट्टी, यानी कि राजकुंद्रा की वाइफ और बॉलीवुड एक्ट्रेस। अब तक शिल्पा ने इस मामले को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया था, लेकिन अब शिल्पा सामने आई हैं और खुलकर उन्होंने इस पर क्या कुछ लिखा है ये आपको हम बताते हैं। दरअसल शिल्पा की ओर से लिखा गया है कि हाँ, पिछले कुछ दिन हर तरह से मुश्किल भरे रहे हैं, कई अफवाहें और आरोप हम पर लग रहे हैं। मीडिया और मेरे शुभ चिंतकों ने मेरे बारे में कई सारी बातें कही, मुझे नहीं बल्कि मेरे परिवार को भी ट्रोल किया जा रहा है और हम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मेरा स्टैंड ये है कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा और मैं इस मामले में आगे भी चुप्पी साधने वाली हूँ, यानी कि मैं इस मामले में आगे भी कुछ नहीं कहूँगी। तो मेरे नाम पर झूठी अफवाहें झूठी बातें ना बनाएं। साथ ही शिल्पा ये भी कहती हैं कि एक सेलिब्रिटी के तौर पर मेरी फिलॉसफी है, कभी शिकायत मत करो और कभी सफाई मत दो। मैं बस यही कहूंगी कि अभी जांच चल रही है, मुझे मुंबई पुलिस और भारत के न्यायालय पर भरोसा है। एक परिवार के तौर पर हम कानूनी मदद ले रहे हैं, लेकिन तब तक मैं आपसे निवेदन करती हूं कि खासकर एक माँ के तौर पर कि हमारे बच्चों के खातिर हमारे परिवार की प्राइवेसी का सम्मान कीजिए। साथ ही निवेदन करती हूँ कि आधी अधूरी जानकारी पर बिना सोचे बिना समझे कमेंट करना बंद करें। साथ ही शिल्पा ने अपने बयान में ये भी लिखा कि एक कानून का पालन करने वाली भारतीय और पिछले 29 सालों से काम करने वाली मैं प्रोफेशनल महिला हूँ। लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने कभी भी किसी का विश्वास नहीं तोड़ा है। तो मैं ख़ास तौर पर आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे परिवार और मेरी प्राइवेसी की हक का सम्मान करें और इस समय में हमें अकेला छोड़ दें। हमें मीडिया ट्रायल की ज़रूरत नहीं है, कृपया कानून को अपना काम करने दें, सत्यमेव जयते। तो ये लाइनें शिल्पा शेट्टी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कही हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर लगातार राजकुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से शिल्पा उनके परिवार को ट्रोल किया जा रहा है, तरह तरह के कमेंट का सामना और लोगों को करना पड़ रहा है। चाहे हम शिल्पा शेट्टी के परिवार की बात करें, उनकी बहन की बात करें, शिल्पा की बात करें, राजकुंद्रा की बात करें, इन तमाम लोगों पर तरह तरह के कॉमेंट लोगों के सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। और ऐसे में जब शिल्पा सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा मुसीबत, सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला दौर उनकी ज़िंदगी में है, तो ऐसे में अपनी चुप्पी राजकुंद्रा के पूरे मामले पर तोड़ते हुए नजर आई। हालांकि उन्होंने ना तो राजकुंद्रा को इसमें आरोपी बताया, ना ही राजकुंद्रा को बेकसूर बताया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात लिखी है और अपने मन की बात लिखते हुए कहा कि उन्हें भरोसा है कानून व्यवस्था पर, कोर्ट पर, और वो अपना काम करते रहेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं। बाकी जो लोग हैं उनके लिए एक संदेश शिल्पा ने यहां पर दिया और कहा कि उनको बेवजह गलत खबरों पर ट्रोल करना बंद करें। अगर कोई भी खबर लिखी जाती है, कोई भी लाइन उनके बारे में लिखी जाती है, तो उसको पूरी तरह से पहले कंफर्म करें, उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर दें, क्योंकि ये उनके और उनके बच्चों के फ्यूचर का सवाल भी है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाने के लिए शेयर भी करिए।